not be the same. नाउ आएम दैथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स गीता के ग्यारहवें अध्याय के बत्तीसवें श्लोक को पढ़ा था डॉक्टर रॉबर्ट ओपन ने मैनहेटन टेस्ट की सक्सेस के बाद जब फाइनली ह्यूमैनिटी ने कैसे ऐसे बॉम्ब को बना लिया जिससे एक मास लेवल का डिस्ट्रक्शन हो सकता था इसके बाद ओपन अपने ही किए काम पर पछताते हैं और इस श्लोक को पढ़ते हुए ये बताने की कोशिश करते हैं कि कितने डिस्ट्रक्टिव हैं न्यूक्लियर वेपन स्टूडेंट वेलकम टू तो नेट कैकर्स मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज यूनिट नंबर फाइव के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को हम पढ़ेंगे यहाँ हम समझेंगे कि क्या है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन विनाश के हथियार जिन्हें कहा जाता है और किस तरह से ये हथियार जो हैं आज की दुनिया में इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स का एक बड़ा कारण बन चुके हैं स्टूडेंट 1945 के अंदर जब वर्ल्ड वॉर टू अपने एंड पे पहुंची, इस समय तक दुनिया इस चीज़ से तो अवेयर थी कि किस तरीके से गोला बारूद हथियार नुकसान पहुंचा सकते हैं फाइटिंग के जो तरीके हैं जब दो कंट्रीज़ की वॉर होती है और मिलिट्री वॉर होती है बट किसी ने यह नहीं, नहीं सोचा था कि कोई ऐसा हथियार भी हो सकता है जो पेशली सिविलियंस को टारगेट करने के लिए बनाया जाए और वो भी मास लेवल पे ऐसे में जब अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए तब समझ में आया कि कितना डेवेस्टेटिंग हो सकते हैं इसके परिणाम दोनों ही शहरों के अंदर जब बम गिराए गए तो एक यू you नो know, 6 अगस्त और 9 अगस्त का दिन 1945 जब शहर में लोग काम कर रहे थे बच्चे स्कूल जा रहे थे ऐसे में बम्स ने टारगेट किया इन दोनों बॉम्ब्स के फटने से इन दोनों शहरों में लगभग दो लाख लोग मारे गए और इस एक्सप्लोजन के सत्तर साल से ज़्यादा तक भी आज भी हिरोशिमा और नागासा के उन इम्पैक्ट्स को देखता है बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें बर्थ डिफेक्ट जो है वो बहुत कॉमन है जो कि यहाँ के लोगों को हो जाता है ऑल दो इतनी तरक्की कर चुका है बट आज भी वो रेडियो एक्टिव जो मटेरियल था जो इन बॉम्ब से निकला वो इम्पेक्ट करता है आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों के ऊपर बात करेंगे ऐसे में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए तो नेट क्रैकर्स लेके आया है आपके लिए स्पेशल कोर्सेज जो कि क्रैश कोर्स हैं दिसंबर 2023 के एग्जाम को टारगेट करते हुए साथ ही हमारे रेगुलर बैचेस जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं जो दिसंबर 2023 और जून 2024 के एग्जाम को टारगेट करेंगे इसी के साथ साथ हम हमारे पोस्टल मटेरियल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में थ्रू आउट कंट्री कहीं पर भी अवेलेबल है तो स्टूडेंट अपनी आज की इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि वेपन जो है वो बेसिकली किस कैटेगरी से किस कैटेगरी तक पहुंचे देखिए वर्ल्ड वॉर वन का जो समय था उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट एरा के तौर पर देखा जाता है क्योंकि सबसे पहली बार मास लेवल पे इस्तेमाल होने लगे थे वेपन्स का जिसमें गन्स थी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी थी जो तोप थी जिसको आप कैनन बोलते हैं वो बड़े लेवल पे इस्तेमाल हुई थी टैंक्स आ चुके थे यहाँ तक कि ऑटोमेटिक मशीन गन्स भी आ चुकी थी और वर्ल्ड वॉर टू आते आते बहुत बड़े तौर पर बदलाव आ गया बट जिस समय वर्ल्ड वॉर टू चल रही थी एक टेक्नोलॉजिकल बूम भी चल रहा था पूरी दुनिया में चाहे वो जर्मनी में हो चाहे वो अमेरिका में हो या रशिया के अंदर और ऐसे में बहुत से फिजस्ट जो थे वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी एक ऐसे हथियार को बनाया जाए जिससे एक बड़ा एडवांटेज मिल जाए हम बहुत बार होरो की कहानियाँ सुनते हैं कि जर्मनी में क्या हुआ किस तरह से गैस चैम्बर के अंदर लोगों को मारा गया बर इससे हटकर एडोल्फ हिटलर और भी बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे थे और ऐसे में चार तरह के वेपन्स के नाम हम लोगों के सामने आए पहले वेपन जो हैं ये हैं न्यूक्लियर वेपन्स जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में हमने देखे इसके अलावा रेडियो एक्टिव वेपन्स की बात होती है बायोलॉजिकल वेपन्स की बात होती है और केमिकल वेपन्स की बात होती है हम जब भी बात करते हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की तो ऐसे हथियारों का जिक्र किया जाता है जो एक ही साथ में हजारों लाखों लोगों को मारने की शक्ति रखते हों और ऐसे में ये फोर कैटेगरीज जो मैंने आपको बताई हथियारों की ये चारों कैटेगरी के वेपन्स इसी तरह की शक्ति रखते हैं सबसे पहले बात की जाए अगर न्यूक्लियर वेपन्स की तो इसका साक्षात प्रमाण तो हम लोग देख ही चुके हैं जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए गए एटॉमिक बम कह सकते हैं आप या न्यूक्लियर बाम कह सकते हैं और ये एजिस के साथ और डेवलप हुआ ऐसा कहा जाता है कि आज के समय में जो न्यूक्लियर वेपन्स अवेलेबल हैं पूरी दुनिया के अंदर वो हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्ब से कई सौ गुना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं तो आप मान सकते हैं कि ऐसा एक ही वेपन काफ़ी है किसी देश की अर्थव्यवस्था को सामाजिक ढांचे को हर चीज़ को गिरा देने के लिए एक ही वेपन काफ़ी है किसी देश को घुटनों पर लाने के लिए ऐसे में एक और तरह के वेपन्स का जिक्र होने लगा जो थे केमिकल वेपन और बायोलॉजिकल वेपन केमिकल वेपन और बायोलॉजिकल वेपन्स की अगर बात की जाए तो ये भी वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर ही सामने आ गए थे जहाँ पर केमिकल वेपन्स ऐसी गैसेस का इस्तेमाल कर रहे थे जो बड़े लेवल पे लोगों को मार दे चौक कर दे उनको सांस लेना मुश्किल हो जाए और धीरे धीरे लोग मरने लग जाएं, वहीं बायोलॉजिकल वेपन जो थे वो बेसिकली बैक्टीरियाज के ऊपर इन सब चीज़ों पर आधारित थे वायरसेस के ऊपर आधारित थे जिससे बीमारियाँ फैलें घातक हाल ही में जब कोरोना वायरस फैला आउटब्रेक हुआ तो कई सारी थ्योरीज सामने आई जिसमें अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा चाइनीस वायरस ठीक है तो ये भी छोड़ी सामने आई कि चाइना ने पूरी दुनिया में ये जान पूछ के किया अब इस तरह की बातें जब हम सुनते हैं तो वर्ल्ड वॉर टू का वही अरा हमें याद आ जाता है वही फोर्थ टाइप ऑफ वेपन जो है जिसको हम रेडियो एक्टिव वेपन बोलते हैं वो इस तरह के वेपन है जहाँ आप रेडियो एक्टिव मटीरियल का इस्तेमाल किसी कन्वेंशनल हथियार के साथ करें और उसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़े अभी जब रशिया यूक्रेन वॉर काफ़ी समय से चल रही है तो इस तरह की कई ख़बरें आई कि रशिया ने रेडियो एक्टिव वेपन्स का इस्तेमाल किया यूक्रेन के कुछ शहरों पे बम जहां गिराए गए वहां रेडियो एक्टिव वेपन्स को इस्तेमाल किया गया तो जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो हमें समझ में आता है कि धीरे धीरे किस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं बट इन सब चीज़ों के अंदर कोल्ड वॉर का आ रहा एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव फेस माना गया जब बड़े तौर पर पूरी दुनिया के अंदर वन बाय वन कंट्रीज जो थी वो कैपेबल हो गई इस तरह के वेपन्स को इस्तेमाल करने के लिए और बनाने के लिए अभी मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो अमेरिका चाइना ब्रिटेन यूके अगर मैं कहूँ फ्रांस इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान रशिया ये वो देश हैं जिनके पास एक फुल फ्लैश सिस्टम है ना सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने का बल्कि ऑलरेडी इनके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में न्यूक्लियर वेपन्स हैं जहां सबसे ज़्यादा वेपन्स इस समय रशिया के पास है सेकंड नंबर आता है अमेरिका का और फिर चाइना और बाकी देशों का वहीं अगर पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा है इंडिया से कम्पेरेटिवली ये नंबर बहुत ज़्यादा है वहीं अगर बात की जाए एक मॉडर्न वॉरफेयर की तो पिछले कई समय से जब से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन को अचीव किया उसके बाद से ईरान इसराइल और यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया कंटिन्यूसली इस पर बोलता रहा है एंड फाइनली नॉर्थ कोरिया ने तो सक्सेसफुली टेस्ट भी किया और अब कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया भी एक ऐसी कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन आ चुके हैं बट जब हम इन वेपन्स की बात कर रहे हैं तो इनके डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आज के समय में इन्वायरमेंटल कंडीशनस को अगर आप समझें तो एक न्यूक्लियर वेपन का अगर एटमोस्फेरिक ब्लास्ट करा दिया जाए तो ओजोन लेयर का 50 परसेंट जो पार्ट है इट विल बी कम्प्लीटली वैनिश एज अ रिजल्ट जो हीट अर्थ पे आएगी वो शायद न्यूक्लियर बॉम्ब से कई गुना ज़्यादा नुकसान लोगों को करेगी और बहुत कम समय में ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो पूरी तरीके से गायब भी हो सकती है तो हम ये मान सकते हैं कि ये वेपन अब उस स्तर पर जा चुके हैं जहाँ से पूरी अर्थ जो है अब वो खतरे में है हम बहुत बार सुनते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी पर यह भी कहा जाता है कि कभी ऐसा हुआ तो वो शायद दुनिया का आखिरी समय होगा जब कोई वॉर यहाँ पर लड़ी जाएगी अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि जब हम इन वेपन्स की बात कर रहे हैं तो हम उन ट्रेटीज़ की भी बात करें जो इन वेपन्स इन हथियारों के साथ जुड़ी हुई हैं ऐसी बहुत सारी ट्रेटी कोल्ड वॉर के समय में आई जिसमें से कई ट्रेटीज़ का हिस्सा इंडिया भी बना और कई का हिस्सा नहीं बन पाया लगातार ये प्रयास किए गए कि इन हथियारों को नियंत्रण में रखा जाए और साथ ही इनके इस्तेमाल को लेकर इस तरह के कानून लाए जाएं जिससे ना सिर्फ़ मानव जाति सुरक्षित रह सके अपितु तो वो देश भी जिनकी संप्रभुता इन हथियारों के होने से खतरे में पड़ती है वो भी अपने आप को सुरक्षित समझ सके यहाँ पर कोल्ड वॉर के एरा में जो कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिटीज़ आई मैं उनका जिक्र सबसे पहले कर लेता हूँ सुन यहाँ पर इस टॉपिक से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रिटीज़ की बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारे सामने जो आती है वो आती है पार्शल टेस्बन ट्रिटी पीटीबीटी इसको कहा जाता है 1963 में आई थी जिसमें ओपन स्काई के अंदर समुद्र के अंदर इन जगहों पर जो टेस्ट है उसको कम्प्लीटली बैन किया गया था मैं आपको बता दूँ कि जब ये ट्रेटिस सारी कोल्ड वॉर के समय में आने लगी थी तो उस समय तक एक बात ये जानने की थी कि अमेरिका और रशिया इन दो देशों ने सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट को कंडक्ट किया ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका ने लगभग छोटे बड़े मिला के एक हज़ार न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए सो कैन यू इमेजिन कि कितना बड़ा अमाउंट है चलिए हम मानते हैं कि शायद ये डेटा एग्जैक्ट ना हो एक हज़ार न्यूक्र बॉम्ब एक्सप्लोर्ट करना बहुत बड़ी बात है बट अगर ये डेटा नियर बाय भी 400, 500, 600 तक हो तो भी ये नंबर बहुत ज़्यादा है और इसमें से मैक्सिमम टेस्ट जो थे या तो वो अंडरग्राउंड थे या तो वो ओशन बैच्स के अंदर किए गए इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ आपको इंटरनेट पर देखने को मिलेगी जहाँ दिखाया जाता है कि अमेरिका टेस्ट कर रहा है इन दी ओशन इस तरह के एंड इसी तरह से रशिया ने भी ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए लगातार 1945 में जब अमेरिका ने बॉम्ब गिराए जापान के ऊपर तो ऐसा कहा जाता है कि स्टालिन बहुत चिंता में थे और उन्होंने अपने सेक्रेटरी से पूछा क्या अब अमेरिका के पास तीसरा बॉम्ब भी है और अगर है तो क्या वो मॉस्को के ऊपर या लनन के ऊपर गिरेगा तो आप कह सकते हैं कि जो ये एक रेस थी अमेरिका और रशिया के बीच में उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, था ये रेस में यूएसएसआर 1949 में एंटर करता है फाइनली और अपना न्यूक्लियर बॉम टेस्ट करता है और उसके बाद वन बाय वन टेस्ट होते जाते हैं ज़ार नाम का एक बॉम्ब जो टेस्ट किया गया था यूएसएसआर ने विच वाज अ वेरी ह्यूज जब वो ब्लास्ट हुआ था तो इसके बाद चाइना इस रेस में उतरा यू फ्रांस वन बाय वन ये देश लगातार इसको डेवलप करते रहे और टेस्ट होते रहे और इन्वायरमेंट को इसका बहुत नुकसान झेलना पड़ा यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि जितनी ट्रिटीज़ आई थी उस चीज़ को मेक शोर sure करने के लिए आई थी कि अब इन सुपर पावर्स के अलावा कोई और देश इन हथियारों को ना हासिल कर सके इसमें पी टी के बाद जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिटी आई हमारी वो थी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफ्रेशन ट्रिटी ये आई नाइनटीन के अंदर इसके बाद दो कन्वेंशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं एक है बायोलॉजिकल कन्वेंशन और एक है केमिकल कन्वेंशन ऑल दो अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया एन का हिस्सा नहीं है बट इंडिया बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन और बायो, केमिकल वेपन कन्वेंशन इन दोनों का सिग्नेटरी के तौर पर माना जाता है दोनों ही कन्वेंशनस को इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया था इसके बाद आती है हमारी कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बेंट्रिटी जो कि सी कहलाती है जो कि 1996 के अंदर आई स्टूडेंट यहाँ पर इन ट्रेटीज़ से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी जहाँ पर मैंने इन सभी ट्रेटीज़ की बात की है साथ ही किन ट्रिटीज़ का हिस्सा इंडिया है किन का हिस्सा नहीं है उसको भी डिस्कस किया गया है आप उस वीडियो को लिंक में जाके देख सकते हैं उसमें सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर एक और चीज़ समझनी जरूरी है कि किस तरह के क्वेश्चन यू जी सी नेट के एग्ज़ाम में आपसे इन पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाएंगे तो कई बार बच्चे बहुत इनडेप्थ जाके नॉलेज कलेक्ट करना चाहते हैं इन टॉपिक्स में बट ऐसा नहीं है जब आपसे इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आएंगे तो कई बार क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है ट्रिटीज़ की कई बार ये पूछा जाता है कि इंडिया इसका हिस्सा है या नहीं है या कौन सा देश इससे बाहर जाने वाला है अभी रिसेंटली रशिया ने ये कहा है कि रशिया जो इंटरनेशनल कन्वेंशनस हैं न्यूक्लियर आर्म्स को लेकर और जितनी भी ट्रिटीज़ हैं शायद उन सबसे बाहर निकल जाएगा बिकॉज हो सकता है कि यूक्रेन वॉर आने वाले समय में एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ भी बढ़ जाए और जिस तरह से अभी कंडीशन वर्स होती जा रही हैं ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं वहीं इंडिया के अगर लेटेस्ट स्टैंड को देखा जाए तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डब्ल्यू एंड देयर डिलीवरिंग सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ अमेंडमेंट बिल आया है 2022 के अंदर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं जहाँ किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर कोई सिस्टम खरीदा जा रहा है इन हथियारों को लॉन्च करने का या हथियारों को बनाने के लिए पैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन दे रही है कलेक्ट कर रही है तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए बिल लाया गया है ऐसा बहुत बार होता है जब टेरस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं तो पता चलता है कि किसी एन के थ्रू ये पैसा गया या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये पैसा गया तो इस तरह की सभी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए इंडिया इस बिल को लेके आया है तो स्टूडेंट आज की वीडियो हमारी थी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ऊपर आने वाले समय में हम कुछ और इंसाइटफुल वीडियोस बनाते रहेंगे इसी तरह की आप चैनल के साथ जुड़े रहिए अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए और बताइए कि और किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं ऑल दो इस वीडियो के अंदर मैंने जिन पॉइंट्स को कवर अप किया है ये सारे पॉइंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं बट आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो इस तरह की और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी धन्यवाद दोस्तों